इस वक्त जिस चटनी को मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ, ये एक सिल्क के ऊपर पीसी हुई ऐसी लाल और हरी मिर्च की चटनी है जिसको चखते ही आग लग जाती है। ख्वातीन हज़रात, अनवर मकसूद। आज पता चला कि पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई है। वो कैसे? कि आप जैसे आदमी को लाइव प्रोग्राम में बुलाने की इजाजत मिल गई है। आइए, इससे पहले कि ये कैटेगरी अनाउंस करें, जरा हाथ उठाइए। क्या मतलब? हाथ उठाइए। अय अल्लाह, अय अल्लाह, अय अल्लाह, अय अल्लाह, हम तुझसे पनाह मांगते हैं, हम तुझसे पनाह मांगते हैं। अय अल्लाह, अय अल्लाह, कोई जुमला मेरे मुंह से ऐसा मत निकलवाइयो, कोई जुमला मेरे मुंह से ऐसा मत निकलवाइयो, जिसको सुनने के बाद, जिसको सुनने के बाद हम सब के मुंह पे कालक पुते, हम सब के मुंह पे कालक पुते। अय अल्लाह, अय अल्लाह, इस प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम को पूरा ऑन एयर जाने दीजो, पूरा ऑन एयर जाने दीजो। अय अल्लाह, अय अल्लाह, हमें सफ़ेद बाले वाली इस मुसीबत से बचा, हमें सफ़ेद बालों वाली इस मुसीबत से बचा। अय अल्लाह, अय अल्लाह, ये अवार्ड पूरा मुकम्मल हो, पूरा मुकम्मल हो। आमीन, आमीन। शुक्रिया मोइन। माज़ूर ख़वातीन हज़रात, पीटीवी सुप्रीम अवार्ड्स आप लोग देख रहे हैं। मेरा शोभा है करंट अफेयर्स। मेरे शोभे के अनाउंसमेंट करने की आपने जुरत कैसे की? ये दूसरे करंट अफेयर्स हैं। जी, वही करंट अफेयर्स है, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ता, दोनों का एक सा हाल है। आप यहाँ कैसे आई? टैंक पर बैठकर आई हूँ। टैंक पर? वो क्यों? अखबार नहीं पढ़ते? इतने नन्हे मत बनो। अच्छा, मैं समझ गया, अब तो आपके बिल दुरुस्त हो जाएंगे। भाई, जब हिलरी का बिल दुरुस्त नहीं हुआ तो मेरा बिल कैसे दुरुस्त होगा? अच्छा, आपको भारत भेजा जा रहा है? हाँ भाई, भेजा तो जा रहा है। क्या भारत के पास भेजा नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है आप भारत जा रही हैं? जा रही हूँ। क्यों? ये लोग चाह रहे हैं कि मैं वहां जाकर गिरूं। बात यह है बिजली, मैंने सुना है कि आपको शायरी का शौक है। जी हाँ, मुझे बहुत शौक है। आपको कोई शेर आता है तो पहले आप सुनाइए। अच्छा, आप बताइए किसका शेर है। हमें खबर है कि हम हैं चिराग़े आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। ये किसका शेर है? ये मैं बताती हूँ, ये वापडा के किसी पुराने चेयरमैन का शेर है। क्या मतलब? हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। मैं अच्छा, एक शेर सुना। जी सुनाइए। आपके यहाँ के शायर है ना, अहमद फराज पाकिस्तानी पठान। जी जी। उन्होंने मुझ पर एक गजल लिख मारी है, सुना? सुनाइए। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए अब तक दिले खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें ये आखिरी शम में भी बुझाने के लिए घर में ना कोई मोम की बत्ती ना दिया है फानूस में तो आग लगाने के लिए। माशाल्लाह, अखबार में मैंने पढ़ा था कि आप अमेरिका जाने वाली हैं। जी हाँ, जा रही हूँ अमेरिका। क्यों? बिजली की कुर्सी का मुतालिया करने। बिजली की कुर्सी का मुतालिया करने? क्यों भाई? बिजली की कुर्सी का मुतालिया करने क्योंकि मुझे जरूरत है बिजली की कुर्सियों की यहाँ। किस बात के लिए? मगर यहाँ बिजली की कुर्सी का क्या काम? हाँ, बिजली की कुर्सी का बेचारी का क्या काम, यहाँ तो पूरे का पूरा डाइनिंग सेट चाहिए, सब खा रहे हैं। एक बात बताइए कि ये जो है बिजली की कुर्सी पर, बताऊं बैठकर लगता कैसे है? जी, किसी ने मुझसे पूछा था कि बिजली की कुर्सी पर बैठकर लगता कैसे है, पहले तो मैंने सोचा जवाब दूं, फिर मैंने सोचा कि कैसे बताऊं, आज तक उस पर जो भी बैठा बाद में बता नहीं सका कि कैसा लगता है। अच्छा, आपसे मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब अजीब से दे रही है। जरा ठीक से बात करियो मुझसे,
अगर मेरा मूड खराब हो गया तो सारा अवार्ड घनघोर होके रह जाएगा तुम्हारा। मालूम हुआ अंधेरे में किसी को अवार्ड की जगह मुशाहिद हुसैन थमा दिए। क्या ये क्या हो रहा है? किसी कम बखत ने कुंडे डाल दिए। कुंडे? हाँ बस मैं जा रही हूँ। थैंक यू बिजली, शुक्रिया बिजली। मौजूद खवातीन हज़रात, पिछले दिनों में एक इंटरव्यू कर रहा था, वो रिकॉर्डेड इंटरव्यू था, उसमें आखिरी बात काट दी गई थी। ये लाइव प्रोग्राम है, उसमें ये सुनाना चाह रहा हूँ बात। आप, मैं डॉक्टर कदीर साहब का इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने डॉक्टर कदीर साहब से पूछा, आखिर में ये बताइए आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? डॉक्टर साहब ने कहा बम से। मैंने कहा कितनी मोहब्बत है? कहने लगे बहुत मोहब्बत है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिर चीटिंग तो नहीं करेंगे? कहने लगे कैसी चीटिंग? मैंने कहा जिससे मोहब्बत की जाती है उसको छोड़ा नहीं जाता।